अभी मार्केट के अंदर बजट में ऐसी काफ़ी सारी स्मार्ट वॉचेस आ चुकी हैं जहां पर आप लोगों को प्रीमियम एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, लग्जरी लुक के साथ साथ और भी काफ़ी सारे यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड है कौन सी स्मार्ट वॉच उनके लिए बेस्ट होने वाली है। और अभी फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट भी होने वाला है, तो इस सेल में आप लोगों को ऐसी काफ़ी सारी स्मार्ट वॉचेस मिल जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है। तो यस, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे बजट में आने वाली दो एमोलेड ब्लूटूथ कॉलिंग लग्जरी स्मार्ट वॉच को। और इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को लगभग सिमिलर फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे काफी ज्यादा मैच करती है दोनों स्मार्ट वॉचेस की। एक का रिव्यू वीडियो आप लोगों ने कल ही देखा होगा इस चैनल के ऊपर जो कि है फायरबोल्ट अपोलो 3, और वहीं दूसरी तरफ आती है फायरबोल्ट की तरफ से ही आने वाली फायरबोल्ट इक्लिप्स। इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में काफी सारे सिमिलर फीचर्स मिलते हैं और इनका प्राइस भी आप लोगों को लगभग सेम ही देखने को मिलने वाला है। तो चलते हैं फटाफट कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं। बिग बिलियन डे पे इन दोनों स्मार्ट वॉच का क्या प्राइस रहने वाला है, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम, तो एंड तक आप लोग बने रहना। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा लुक एंड डिजाइन के बारे में। यहाँ पर दोनों ही स्मार्ट वॉचेस राउंड शेप के साथ आती है। फायरबोल्ट अपोलो 3 में आप लोगों को वर्किंग क्राउन देखने को मिल जाता है जो कि फायरबोल्ट इक्लिप्स में मिसिंग है। इसके अलावा दोनों के बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट का यूज किया गया है। इक्लिप्स में आप लोगों को दो बटन मिल जाते हैं, ऊपर वाले बटन को प्रेस करके आप लोग मेन मेन्यू में चले जाओगे, वहीं नीचे वाले बटन को प्रेस करके आप लोग स्पोर्ट्स मोड में चले जाओगे। दोनों में ही आप लोगों को 22mm के स्ट्रैप मिल जाते हैं। फायरबोल्ट इक्लिप्स में आप लोगों को मैग्नेटिक स्ट्रैप प्रोवाइड किया गया है। वहीं बात करूं फायरबोल्ट अपोलो 3 की, तो यहाँ पर आप लोगों को 22mm का नॉर्मल मेटेलिक स्ट्रैप मिल जाता है, और इन दोनों स्ट्रैप की क्वालिटी यहाँ पे काफी बढ़िया प्रोवाइड करती है कंपनी। इसी के साथ साथ आपको दोनों में इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा जिसके थ्रू आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग को यूज कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं इन दोनों स्मार्ट वॉच के ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, तो फायरबोल्ट इक्लिप्स यहाँ पे ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज के साथ आती है और काफी ज्यादा प्रीमियम भी देखने में लगती है क्योंकि इसके साइड में क्राउन फिनिश देखने को मिलता है जिसकी वजह से इसका ओवरऑल लुक और भी ज्यादा इन्हेंस हो जाता है। बट ये स्मार्ट वॉच 2499 की लॉन्च हुई थी। वहीं बात करूं फायरबोल्ट अपोलो 3 की, तो ये स्मार्ट वॉच 2200 की लॉन्च हुई थी। बट ये दोनों ही स्मार्ट वॉचेस आप लोगों को बिग बिलियन डे सेल पर काफी कम प्राइस पे देखने को मिल जाएगी। फायरबोल्ट अपोलो 3 आप लोगों को अंडर 2000 मिल जाएगी। वहीं बात करूं फायरबोल्ट इक्लिप्स के बारे में, तो ये वॉच भी आप लोगों को 2100-2200 रुपए की देखने को मिल सकती है। एक चीज और बताना चाहूंगा, फायरबोल्ट इक्लिप्स को मेल या फिर फीमेल कोई भी पहन सकता है। ये स्मार्ट वॉच दोनों पे काफी बढ़िया लगने वाली है। अब बात करेंगे दोनों स्मार्ट वॉच के सिमिलर फीचर्स के बारे में, तो ऑफ कोर्स दोनों में ही 1.43 इंच की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स प्रोवाइड किया गया है, और इन दोनों डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। आप लोग दोनों को आउटडोर इंडोर कहीं पर भी बेझिझक यूज़ कर सकते हो। विजिबिलिटी में कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को 466x466 का पिक्सल रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है जिसकी वजह से डिस्प्ले क्वालिटी और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। कहीं से भी पिक्सलेट नहीं होती है, काफ़ी शार्प और पंची कलर देखने को मिल जाएगा। बाकी दोनों में ही आप लोग कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल निकल के आती है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सैचुरेटेड देखने में लगती है फायरबोल्ट इक्लिप्स की डिस्प्ले। बाकी दोनों में आप लोग को AOD के दो वॉच फेसेस मिल जाते हैं, एक है एनालॉग दूसरा है डिजिटल, और इनकी भी ब्राइटनेस यहाँ पे आपको काफ़ी ठीक ठाक प्रोवाइड की गई है। बाकी बात करते हैं इसके अदर फीचर्स के बारे में, तो ऑफकोर्स दोनों में मिलेगा आपको ब्लूटूथ कॉलिंग, वॉइस असिस्टेंट, 120+ स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड किए गए। हेल्थ ट्रैकिंग की बात करें तो यहाँ पे मिलता है SpO2, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटर एंड स्ट्रेस मॉनिटर। इसी के साथ साथ बेसिक फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे मिलेगा म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, स्टॉपवॉच, अलार्म, और आप लोग दोनों ही स्मार्ट वॉच में अलार्म को सेट कर सकते हो, ऐप की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को फ्लैश लाइट एंड फाइंड माई फोन जैसे अच्छे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को फीमेल हेल्थ केयर का भी फीचर्स प्रोवाइड किया गया, तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, फायरबोल्ट इक्लिप्स मेल या फिर फीमेल कोई भी पहन सकता है, तो उनके लिए ये फीचर्स काफी यूजफुल रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको IP67 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में, तो आप लोग नॉर्मल बारिश में पहन के निकल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। वहीं बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर आपको दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में लगभग सेम बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग प्लस AOD वॉच फेस यूज करते हो तो आपको दोनों में 1 से 2 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिलने वाला है। नॉर्मली यूज करने पे यहाँ पे आपको 3 से 4 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा।
तो ये थे इसके सिमिलर फीचर्स। अब बात करना चाहूँगा डिफरेंट फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फायरबोल्ट इक्लिप्स की बात करना चाहूँगा। तो देखो यार, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, वही सेम फीचर्स है जो आपको फायरबोल्ट अपोलो 3 में देखने को मिल जाते हैं। बस यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। मुझे यहाँ पे फायरबोल्ट इक्लिप्स की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी है यार, क्योंकि ये ज़्यादा लग्जरी देखने में लगती है और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज के साथ आती है। इसके अलावा बात करें फायरबोल्ट अपोलो 3 के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को 3-4 एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे ऑफकोर्स वर्किंग क्राउन प्रोवाइड किया गया जो कि फायरबोल्ट इक्लिप्स में मिसिंग है। क्राउन को स्क्रॉल करके आप लोग वॉच फेसेस मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हो। डिफरेंट फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो इस स्मार्ट वॉच में बीपी मॉनिटर जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेटर एंड गेम जैसे अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप लोग कैलकुलेटर को अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, टाइम पास के लिए गेम वगैरह भी खेल पाओगे। तो यही थे इसके सिमिलर डिफरेंट फीचर्स। अब बात करना चाहूँगा दोनों स्मार्ट वॉच के यूआई परफॉर्मेंस के बारे में। तो ऑफकोर्स यहाँ पे दोनों ही स्मार्ट वॉचेस काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है। यूआई के अंदर आपको कोई भी लैग या फिर हैंड सा इशू फेस करने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है फायरबोल्ट इक्लिप्स की यूआई। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है और स्मूथनेस भी काफ़ी बढ़िया है, कहीं से भी लैग या फिर हैंग सा इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। तो हाँ, यहाँ पर यूआई के मामले में दोनों ही स्मार्ट वॉचेस काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है। अब चलते हैं फटाफट एक्यूरेसी भी टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच ज़्यादा एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करती है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्मार्ट वॉच को पहन के अपना हार्ट रेट टेस्ट किया था। दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में सिमिलर रीडिंग देखने को मिलती है, एट दी एंड भी ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, 1-2 रीडिंग का ही फर्क निकल के आया है। SPU2 के अंदर भी दोनों ही स्मार्ट वॉचेज काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को रिकमेंड यही करूँगा यार, नॉर्मल आइडिया लेने के लिए आप लोग स्मार्ट वॉचेज को यूज़ कर सकते हो, बट इस पर डिपेंड कभी भी मत रहना, सीरियस कंडीशन में डॉक्टर से ही कंसल्ट करना। अब चलते हैं फटाफट कॉलिंग टेस्ट भी कर लेते हैं और देखते हैं दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच की कॉलिंग क्वालिटी ज्यादा बेटर निकल के आती है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई। अरे मैं ना वॉच से कॉल कर रहा था अभी, मैं ये पूछ रहा था आवाज मेरी क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। चलो ठीक है, बाद में करता हूँ। हाँ ब्रो, क्या हाल है? बस बढ़िया, तू बता। बस ठीक ठाक। अरे मैं ना वॉच से कॉल कर रहा था, आवाज कैसी आ रही है मेरी? सही आ रही है। चल मैं करता हूँ, बाद में बताया। ओके चल ठीक है, ओके बाय। कॉलिंग क्लिप्स आप लोगों ने देख लिया है, आपको आइडिया मिल गया होगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किसकी कॉलिंग क्वालिटी ज्यादा बेटर लगी है। और गाइज, अब आते हैं फाइनली कंक्लूजन पे और बात करते हैं आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है, किस में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। तो ये आप लोगों ने खुद भी देख लिया होगा वीडियो में, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें टेस्ट करके दिखा दी है किस में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, किसकी डिस्प्ले क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, बिल्ड क्वालिटी किसकी बढ़िया निकल के आई यहाँ पे, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हो। तो फायरबोल्ट अपोलो 3 में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे वर्किंग क्राउन प्रोवाइड किया गया, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी हैवी लगी मुझे स्मार्ट वॉच की। वहीं बात करूं फायरबोल्ट इक्लिप्स के बारे में, यहां पे आपको प्रॉपर लग्जरी लुक प्रोवाइड किया गया, इसी के साथ साथ ज्यादा प्रीमियम लगती है स्मार्ट वॉच और ये कॉम्पैक्ट साइज के साथ भी आती है। तो मेल या फिर फीमेल कोई भी स्मार्ट वॉच को पहन सकता है, दोनों पे काफ़ी बढ़िया लगने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हो, अगर आप लोगों को ज़्यादा फीचर्स चाहिए, वर्किंग क्राउन चाहिए, तो फायरबोल्ट अपोलो 3 के साथ जा सकते हो। ये स्मार्ट वॉच आप लोग को ऑफर में अंडर 2000 मिल जानी है। फायरबोल्ट इक्लिप्स का जो भी करंट प्राइस है वो है 2499। दोनों ही स्मार्ट वॉच के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जिस भी स्मार्ट वॉच में इंटरेस्टेड हो जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।